से उठाकर तुझे यहां तक पहुंचा सकता है, वो तुझे मिट्टी बनाकर भी उठाने पर ताकत रखता है। मेरे बात समझ में आई कि हाँ भाई हक है, अब पढ़ाओ भाई क्या है कलमा। तो उन्होंने बताया कि पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु रसूलु। मैंने पढ़ा, पढ़ता रहा मैं, फिर मैंने सारा जितना भी वाहियात काम थे, गाने बजाने सब, तोबा करता रहा। धीरे धीरे एकदम तो छुड़ा नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फिर 4 महीने लगाए, जब वो सारे शिर्क कुफर के गीत और लेडीज नचाने वचाने जो वाहियात काम थे जिनसे सारी बुराई के काम फैल रहे थे वो सारे बंद किए। और उसके बाद में हालात भी आए, जब हराम काम छोड़ दिया सारे, तो एकदम घर वालों में परेशानी आ गई। घर वाले कहने लगे तो बाबा जी बन गया, ये तो सारा काम छोड़ गया। मैं कहने लगा भाई बाबा जी नहीं बने। मैं उनसे समझाया, अब चाचा था वो आर्मी में है, फौज में है, वो बॉक्सिंग वॉक्सिंग भी मारे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं 4 साल की एज से सिंगिंग के काम में था और गाने गाता रहा था, कवाली भजन फोक सॉन्ग हरियाणा में। और 152 एमएलए एमपी हैं भारत के जिनके मैंने गाने गाए थे, वो जीते हैं गवर्नमेंट में। 3 बार नेशनल में गोल्ड भी लेके आया था फोक सॉन्ग में। तो नाना थे वो सिंगर थे बहुत बड़े मेरे भी, तो मार दिया जाए छोड़ दिया जाए बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, वो सॉन्ग होता था उनका, कंपोजिशन की हुई थी। तो उन्होंने मेरा नाम फिरोज ही रखा था, वो इंदिरा गांधी जी के उस मसले की वजह से, वो उनके क्लोज थे, नज़दीक थे, तो उन्होंने कहा ये फिरोज गांधी है और इसका नाम ये फिरोज गांधी रखेंगे। तो उस दौरान 1998 में मेरे अब्बा का वक्त लगा है, जमात गई, उन्होंने अल्लाह के बारे में बताया तो अब्बा को नींद नहीं आती थी। 2.5 बोतल शराब में जो नशा होता था वो टैबलेट खा के सोते थे। तो जब ये जमात गई, मास्टर हारून साहब गए, मास्टर इरफान साहब, मास्टर असलूब साहब, ये मेवात के साथी गए, जमात गए बुजुर्गों की, और ज़मीन को बनाने वाला, आसमान को बनाने वाला, चांद को, सूरज को, सितारों को, हवा उसके हुक्म से चलती है। तो अगर दवाई में आराम होता तो हॉस्पिटल में 200 मरीज होते हैं, वो सारे ठीक हो जाते हैं। दवाई में आराम नहीं, आराम अल्लाह के हुक्म में, और नींद अल्लाह के हुक्म से, नींद अल्लाह के गैब के खजाने से आती है, भूख अल्लाह के गैब के खजाने से आती है। जब मेरे अब्बा को ये बात बताई उन्होंने, तो फिर उन्होंने कहा अब मैं बताओ क्या करूँ। उन्होंने कहा चलो 3 दिन अल्लाह के रास्ते में चलो हमारे साथ। उन्होंने कहा भाई मैं कैसे जा सकता हूँ, कि भाई कोई बात नहीं, मालिक तो हम सब का एक ही है और हम सब अलग नहीं, हमारा ब्लड रिलेशन एक है, हम सब भाई हैं, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सारी दुनिया के जितने इंसान हैं सब एक अल्लाह के बंदे, एक मालिक के बंदे हैं। उनके साथ गए, अल्हम्दुलिल्लाह 16 दिन तक उनको नींद ना आई, 17वें दिन अल्लाह ने नींद दी, टैबलेट वो सारी तुड़वा के चले गए, चलो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह ही नींद देगा। 17वें दिन अल्लाह ने उनको नींद दी। आज 1998 से आज 2020 है, कितने साल होगी आज तक अल्लाह ने नींद दे रखी। तो मैं उस लाइन में था, उस फील्ड में, क्योंकि जिना का तो मूल मंत्र है गाना बजाना, तो लड़कियों को डांस कराना, नचाना, वाहियात गाने गाने, तो समाज में सारा गलत काम था, वो समाज को गलत मैसेज जाता था। 7-8 साल पहले यहाँ दिल्ली की एक जमात गई, इन्होंने जाके कहा भाई देख एक दिन जान देनी है। तो मैं इनसे बचता रहा, 10-15 दिन तक मैं भगाता रहा इनको, भाई हमारे मताइयो मुल्ला जी कटवाओगे, मरवाओगे, ऐसे काम हमारे मेरे घर मत आना। मैं इनको बेचारों को धमकाता रहा। 20 किलोमीटर दूर मेरे गांव से मस्जिद पड़ती है, तो मेरे गांव के भी लोग हैं सारे मोहब्बत से रहते हैं, मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे, पूरे परिवार से ज़्यादा, आज भी गाँव में सारे बड़े मोहब्बत के साथ रखते हैं और रहते भी हैं। तो मैं उनसे कहने लगा भाई मैं नहीं आ सकता तुम्हारे पास, 15-20 दिन तक मैं प्रोग्राम में हूँ, और मैं इनके चक्कर कटाता रहा सारी जमात के। तो ये बेचारे जमात वाले डेली फ़ोन करते रहे, हज़रत आपकी ज़ियारत करने चाह रहे हैं, आपकी ज़ियारत करना। मैं कहता रहा भाई ज़ियारत क्या करोगे, मैं कोई निज़ामुद्दीन औलिया थोड़ी, मेरी ज़ियारत करोगे, मेरी ज़ियारत करके क्या लोगे। तो इन्होंने कहा जी नहीं एक बार आ जाओ, मैं नहीं गया इनके पास। तो अल्लाह ने फिर ऐसा दिमाग पलटा, इस जमात ने वहाँ दुआ की, और उस दुआ की बरकत से ऐसा हुआ कि मेरा माइंड अपसेट हो गया, अब ना गाने का दिल कर रहा, ना किसी प्रोग्राम करने का दिल कर रहा, ना कोई और काम करने का दिल कर रहा। अब मैं करूँ क्या करें भाई, क्या करें, और कहाँ सुकून मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो फिर मेरे दिमाग दिल में अल्लाह ने डाली कि भाई वो जो जमात के लोग थे, जो मुल्ला जी आए थे, और वो बेचारे तेरी मिन्नत कर रहे थे और अल्लाह के लिए कर रहे थे वो, और तू चल उन्हीं के पास चल। मैं सीधा बैग उठा के गया 22 किलोमीटर दूर मस्जिद में, और जाके मैंने उनसे कहा भाई जमात वालों मैं तो आ गया।
इन्होंने जाके मैं बैठाया, खाना पीना खिलाया, जो मैं समझता था कि मुसलमान ऐसे होते हैं जैसा था मेरे दिल में, लेकिन ऐसा नहीं निकला वो सारी चीज़, वो कुछ अलग ही निकली। मैं सोचता था कि मस्जिदों में आम आदमी नहीं जा सकता, लेकिन हम तो सारे हिंदू मुस्लिम सभी जा रहे थे मस्जिदों, तो मैंने देखा सब चीज़ बदली हुई पाई। तो उन्होंने दस्तरखान बिछाया, खजूर खिलाए, कुछ और पानी वानी पिलाया, फिर उन्होंने समझाई मुझसे। मैं कहने लगा भाई खुदा कहाँ है, तो मैं क्वेश्चन करता रहता था पहले कि भाई खुदा, उल्टे सीधे सवाल जवाब उनसे करता रहा। फिर उन्होंने बताई भाई इतना अपना परदादा देखा है कि, मैं बोला जी नहीं, कि अगर मैं ये कह दूं कि परदादा था ही नहीं तो मान लोगे, कि उन्होंने कहा जी नहीं परदादा तो था। मैंने कहा परदादा तो था, इसलिए मेरा दादा हुआ, दादा के बाद बाप हुआ, बाप के बाद मैं हम हुए, और मेरे बाद मेरी औलाद होगी जो हमारे थे। उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, अब ये बता कि जैसे बगैर परदादा के आपके दादा नहीं हो सकते, तो सबसे पहला इंसान भी तो किसी ने पैदा किया होगा, सबसे पहला इंसान एक मर्द और एक औरत भी किसी ने पैदा किए। मैं बोला भाई किसने पैदा किए? उन्होंने कहा आदम पैदा किया अल्लाह ने, और माहवा पैदा की, आदम की हम सब औलाद हैं, इसलिए आदमी को आदमी कहते हैं। तो बोला हाँ, तो अगर उनको कोई ना बताता तो वो जहर खा के मर जाते, पूरी दुनिया में एक ही इंसान थे, एक मर्द और एक औरत, आदम और हवा, अगर उनको कोई ना बताता पत्थर खा के मर जाते, उनको कोई ना बताता तो वो कैसे आपस में मिलते, कैसे औलाद होती, कैसे इंसान पैदा होते, कोई तो है। तो उन्होंने कहा, बोला हाँ भाई कोई है, और वो अल्लाह ही है इसने पैदा करे। फिर उन्होंने समझाई कि जिस पानी, जिस जमीन पर तुम खड़े हो, ये किसने रोक रखी है, किसने बना रखी है, जमीन के नीचे पानी, इतनी भारी भरकम जमीन किसने बनाई भाई, कौन रोके हुए है? मैंने कहा भाई अल्लाह ने रोक रखी है, अल्लाह ने बना रखी है। और ये इतना बड़ा आसमान, इस आसमान में सूरज, सूरज जमीन से 12 लाख गुना बड़ा, और सूरज से 10 अरब गुना बड़ा तारा, बेशुमार तारे, एक तारे में खरबों गैलेक्सी, एक गैलेक्सी में 43,000 जमीन बन सकती है। तो बनाने वाला कितना बड़ा, उसको इमाम अमीर साहब ने बताया, उसको हम मुसलमान कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? कि वो सबसे बड़ा है, वो अल्लाह है। तो इन्होंने जब ये बात मुझसे कही तो मैं, हाँ भाई ठीक है, थोड़ा सुकून पैदा हुआ कि हाँ एक पावर है, एक ताकत है जो इस पूरी कायनात को चलाने वाली है, और टाइम पे सूरज को निकालती है, टाइम पे चांद को निकालती है। सूरज को अगर वो अपने आप निकलता तो मैं भी कहता था भाई नहीं, सूरज देवता है, चांद देवता है। तो उन्होंने कहा भाई चांद सूरज देवता नहीं है, अगर चांद में कोई अपनी ताकत होती तो वो सूरज को निकलने नहीं देता, वो कहता मैं 24 घंटे में ही निकलूंगा भाई, 48 घंटे में ही निकलूंगा, तो गर्मी से वैसे खत्म हो जाती पब्लिक। और सूरज में अपनी कोई पावर होती तो वो कहता कि मैं निकलूंगा, चांद में अपनी ताकत होती वो कहता मैं निकलूंगा, लेकिन ऐसा नहीं, 12 घंटे में सूरज निकलता है, 12 घंटे में चांद निकलता है। मेरे दिमाग में बात समझ में आई, हाँ भाई सही कह रहा है, सूरज चांद देवता नहीं है, ये तो इनको चलाने वाली भी ताकत है, वो असल है, वो अल्लाह है, और वो अपने हुक्म से इन चांद सूरज को चलाता है। मेरे दिल में बात उतरी, फिर मैंने पूछा हाँ भाई आगे क्या है? हाँ अल्लाह चला रहा है, अल्लाह ने बना रहा है। तो अमीर साहब से मैंने पूछा कि हाँ मरने के बाद क्या होगा? मैंने देखी नहीं जन्नत जहन्नुम, और बगैर देखे मैं कैसे मान लूं कि जन्नत जहन्नुम है? तो उन्होंने कहा हाँ जन्नत जहन्नुम है, कि आप माँ के पेट में नहीं जानते थे, गाड़ी चलाओगे, हीरो होंडा चलाओगे, फलाना चलाओगे, गाने गाओगे, पता था? कि जी नहीं पता। कब पता चला? कि निकलने के बाद। तो दुनिया माँ का पेट है, ये गर्भ है, जब मौत के आगोश में जाओगे, कान में रुई, नाक में रुई पैकिंग होकर आ जाएगी, उस वक्त अल्लाह दिखा देगा अब भाई ये देख जन्नत भी जहन्नुम भी। तो हम पुराने बुजुर्गों से सुनते थे जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नुम भी है, ना माने तो मर के देख। हम खुद भी कहते थे भाई, एक आदमी गया, वो कहने लगा, उसने मिसाल मेरे से दी कि भाई ये ज़्यादा टेंशन ना लिया करो, अमीर साहब ने कहा ज़्यादा टेंशन ना लो, ये सब अल्लाह का निज़ाम है। तो हम पहले सुनाते थे बुजुर्गों की वाकई, कि एक बुजुर्ग बोलता था, हम सुनते थे गैर मुस्लिम भाइयों में भी सुनते थे बात, जब सारे उस काम में लगे हुए थे गाने बजाने के में, कि एक बंदे, एक साथी ने कहा एक बुजुर्ग से अल्लाह वाले से, कि ये जी सारा काम अल्लाह ने गलत कर रखा है। अल्लाह वाले ने कहा क्या कर रखा है गलत काम? कि ये देखो हाथ, ये मुँह यहाँ लगा दिया तो इस मुंह को हाथ पे भी लगा देता अल्लाह। मैं उल्टे सुधे सवाल कर रहा था उस टाइप के, कि वो मुंह को यहाँ लगा देता, ऐसे ऐसे खाते रहते, गड़ागड़ 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 चलता रहता सारा, कोई टेंशन नहीं होती। और अल्लाह ने दो आंख यहाँ लगा दी तो पीछे भी लगा देता, फॉर्चूनर की तरह बैक साइड भी दिख जाती सारी। उन्होंने कहा, उसने अल्लाह वाले ने कहा नहीं 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 अल्लाह ने सही कर रखा है। वो आगे चला गया, आगे जाकर उसने देखा तरबूज लगे हुए थे, उसने देखा बेल पे यार पतली पतली बेल है और 20-20 किलो के तरबूज, ये अल्लाह ने सारा काम उल्टा कर रखा है, के देखो सारा गड़बड़ कर रखा है, इतने भारी तरबूज ऊपर लगाने थे यहाँ पतली बेल में क्यों लगा दिए। अब आगे गया तो काम के पेड़ पे देखा, इसने कि इतना बड़ा पेड़ है,
उस पर छोटी सी आम है, इतना बड़ा नीम है उस पर छोटी सी निमोली है, उतना बड़ा पीपल है उस पर छोटी सी बरबंटी है, फल छोटा सा लग रहा है। तो अल्लाह ने सारे काम गलत कर रखे। उसने कहा अब वो चुपचाप बैठ के सो के काम के पेड़ के नीचे सो गया। सोया तो ऊपर एक आम आमी टूटी, टूट के इसके नाक पर पड़ी, नाक पर नक्सीरी आ गई। इसने कहा देख सारा अल्लाह ने गलत काम कर रखा है, क्या कर रखा है आमी ऊपर लगा दी। तो इस अल्लाह वाले ने कहा भाई अल्लाह ने सही कर रखा है। उसने कहा मेरा खून निकला है, तू कह रहा है सही कर रखा है कि क्या सही कर रखा है अल्लाह ने कि अगर ये अल्लाह आमी की जगह तरबूज लगा देता 20 किलो का तो तेरे मुंह का क्या हाल होता। तो उसको समझ में आई हाँ अल्लाह ने सही, तो ऐसे मेरे समझ में आई कि जब उन्होंने बताया कि भाई देखो अगर अल्लाह चाहता तुम्हारे नखूनों के बजाय दांत बढ़ाने स्टार्ट कर देता, दांत बढ़ा देता। गरीब आदमी तुम तो कटवा लेते अपने दांत, लेकिन गरीब आदमी कोई होता फुटपाथ पर सो रहा होता, हैंडीकैप्ड होता, दोनों हाथ कटे होते उसके और उसके दांत बढ़ जाते तो पेट में चल जाते। तो नहीं, अल्लाह का सिस्टम है, अल्लाह का निजाम। इन्होंने मुझसे समझाया, बुजुर्गों ने, बेचारों ने, जमात वालों ने, इन्होंने समझाया तो मेरे दिल में वो बात उतरी। हाँ भाई देखो, फिर साइंस भी हमने पढ़ी थी, म्यूजिक लेक्चरर था मैं और आकाशवाणी रेडियो पे भी था, गाता था, तो इतनी बात समझ में आ जाती। उन्होंने और समझाई साइंस की उससे नज़र से समझाया कि भाई देखिए आँख है, इनके आँखों के नीचे सुराख हैं, इन सुराखों में पानी आता है, आँख खुलती हैं बंद होती हैं, 12 लाख लेंस हैं आँखों में। जब लेंस नहीं बने थे तो हम देखते थे शक्तिमान नाटक चलता था एक, वो शक्तिमान देखते उस टाइम ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन होता था, लेंस नहीं थे। और अल्लाह ने कितने लेंस दे रखे हैं आँखों में, इन्होंने मुझसे समझाया 12 लाख लेंस अल्लाह ने दे रखे हैं आँख आँख में, ये कितना बड़ा निज़ाम है। तो मेरे बात समझ में आई कि हाँ भाई ये हक है, सच है। मैंने उनसे कहा चलो भाई 3 दिन चलो जमात में, मैं चलूँगा साथ। मैं 3 दिन गया, चौथे दिन अल्लाह ने और जहन बदला। फिर मैं उन सारे साथियों को लेकर गया, क्या हो भाई और भी जो मेरे जितने भी हिंदू सिख ईसाई जितने भी भाई हैं उन सबको ये बात बताओ चल के मेरे साथ। अब वो गए जमात वाले साथी, उनको सबको बात बता कहे कि आपस में प्यार मोहब्बत से कैसे बनोगे जब तक अल्लाह का पता नहीं चलेगा। फिर मैंने उनसे सवाल कराया कि भाई मरने के बाद जिंदा कैसे होंगे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा तरीका बताया अमीर साहब ने, उन्होंने कहा तेरी उम्र क्या है। तो मेरी उम्र उस वक्त में थी 20 साल थी मेरी एज उस टाइम, 20-21 साल होगी। तो उन्होंने कहा तेरी उम्र कितनी, मैं बोला 21 साल। तो 21 साल पहले तू कहाँ था कि माँ के पेट में, और माँ के पेट से पहले कहाँ था कि नहीं पता। तो उन्होंने कहा माँ के पेट से पहले तू था बाप की मर्दाना ताकत में, और मर्दाना ताकत से पहले कहाँ था बाप के खून में, खून से मर्दाना कुवत बनती है, और खून से पहले कहा था कि बाप की राल में, राल से खून बनता है, और राल से पहले कहा था इंसान, उन्होंने समझाया राल से पहले फिरोज था भाई रोटी में, रोटी में, और रोटी से पहले गेहूं में, और गेहूं से पहले जमीन में, हवा में, आसमान में, सूरज की गर्मी में, पानी में, इन सारों में तू घुला हुआ था। हवाओं में से आके जमीन में, जमीन में एक दाना तुमने डाला, 70 बाल अल्लाह पैदा करता है, और उस दाने में तू आ गया। अब दाने से तू आटे में आया, आटे से रोटी में आया, रोटी से राल में, राल से खून में, खून से मर्दाना कुवत में, फिर माँ के जिस्म में। और माँ की हाइट तेरे की 5 फुट, मेरी माँ की हाइट 5 फुट है। उन्होंने कहा तेरी हाइट कितनी, मैं बोला 5, 6 या 8 होगी। तो तेरी माँ के पेट से 5 फुट की हाइट से और तू 5 फुट 8 इंच निकाल रखे उस अल्लाह ने, तो क्या मरने के बाद में तुझे मिट्टी बना के चाहे तू जल जा, चाहे तू दफना दिया जाए या तू बहा दिया जाए, तो वो अल्लाह ताकत रखता है जो जो हवाओं से उठा के तुझे यहाँ तक पहुँचा सकता है, वो तुझे मिट्टी बना के भी उठाने पे ताकत रखता है। मेरे बात समझ में आई कि हाँ भाई हक है, अब पढ़ाओ भाई क्या है कलमा। तो उन्होंने बताया कि पढ़ अशहदु अल्लाह इला इल्ला व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु रसूलु। मैंने पढ़ा, पढ़ता रहा मैं, फिर मैंने सारा जितना भी वाहियात काम थे गाने बजाने सब तौबा करता रहा। धीरे धीरे एकदम तो छुड़ा नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फिर 4 महीने लगाए। जब वो सारे शिर्क कुफर के गीत और लेडीज नचाने वचाने जो वाहियात काम थे जिनसे सारी बुराई के काम फैल रहे थे वो सारे बंद किए, और उसके बाद में हालात भी आए जब आराम काम छोड़ दिया सारे, तो एकदम घर वालों में परेशानी आ गई। घर वाले कहने लगे तो बाबा जी बन गया, ये तो सारा काम छोड़ गया। मैं कहने लगा भाई बाबा जी नहीं बने। मैं उनसे समझाया, अब चाचा ताऊ आर्मी में है, फौज में है, वो बॉक्सिंग वॉक्सिंग मारने लगे प्यार मोहब्बत में। उन्होंने कहा कहाँ बाबा जी बन गया, तू अभी निकाह भी नहीं हुआ, शादी भी नहीं हुई तेरी, और तू कहाँ उस चक्रों में पड़ गया, बाद में करिए बुढ़ापे में। मैंने कहा कि भाई अगर जवानी मौत आ गई तो। उनकी बुद्धि सेंटर में आई। मेरे जो दोस्त थे क्लोज, जो मेरे साथ उठना बैठना जिनका रहता था, उनको एकदम हैरत सी बात लगी, यार ये एकदम चेंज कैसे होगा। उन्होंने आके कहा भाई इसकी दाढ़ी काटेंगे पकड़ो, हालांकि मोहब्बत में थे वो बेचारे, लेकिन उन्होंने कहा दाढ़ी काटेंगे, फिर उसकी दाढ़ी काटेंगे। मैं हंसता रहा,
हंसता रहा। मैं बोला मैंने सुन रखी थी भाई अल्लाह इसका जवाब देगा, अल्लाह के लिए दाढ़ी रखी तो अल्लाह कटवा होगा कट जाएगी और अल्लाह रखा होगा तो रख जाएगी। तो उन भाइयों ने बेचारों ने दाढ़ी पकड़ने की ऐसे कोशिश काटने की करी नियत, मैं दिल दिल में रोता रहा अल्लाह से, मांगता रहा अल्लाह इनके दिल बदल, अल्लाह इनके दिल बदल, बेचारों को पता नहीं है इनके दिल बदल। फिर वो मैं छुड़ा के उनका मैं नीचे आ गया, वो हंसते रहे, वो कहने लगे भाई बुरा मत मानिए हम तो मजाक कर रहे थे, मेरा दिल तो दुख ही रहा था। तो मैंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, कल ये ना रहें या हम ना रहें कोई बात नहीं, कर लेने दे मजाक। मैं एक जमात के पास जाना था, मैं वहाँ गया, डेढ़ घंटे बाद खबर पता चली कि जिस भाई ने दाढ़ी पकड़ी थी उसका इंतकाल हो गया, उसकी नस फटी दिमाग की और वो ख़त्म हो गया। उस दिन के बाद में मैंने दाढ़ी का हाथ नहीं लगाया कि अल्लाह के लिए रखी, जब ऐसा झटका अल्लाह ने दिखा दिया, ये बहुत बड़ी मदद हुई मेरे साथ। फिर जिन भाइयों से मैं दावत देता था, गैर मुस्लिम भाई थे मेरे और भी हिंदू भाई भी थे, उनसे मैं दावत देता, यारी दोस्ती थी, उनको बताता तौहीद के बारे में। तो एक बार उन्होंने कहा मैं कि स्टेज पे जब तक मैंने गाना बजाना छोड़ा नहीं था, तो मैं दावत दे के आया, इधर से एक ने कहा कि भाई मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, तेरा अल्लाह में ताकत है तो इसको ठीक करवा। मैंने कहने लगा यार मैं तो कोई आयत कुरान की याद नहीं, सूरत याद नहीं, मैं शाहना नहीं, मैं सेवड़ा नहीं, मैं बड़ा मौलाना नहीं, मैं कैसे ठीक करूँ। तो उन्होंने कहा अगर अल्लाह में ताकत है तो करवा। मेरे सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो कुरान की पहली आयत है वो याद थी, मैंने वो पढ़ के दिल में रो के अल्लाह दुआ करी, अल्लाह तेरा काम है, अगर मैं इस्लाम पर हक पे हूँ सच पे हूँ तो आज इसकी रीढ़ की हड्डी ठीक कर दे, कतरे से तूने बनाया है तू ही ठीक करने वाला है, अल्लाह अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह ने तुरंत उसी वक्त में वो 10 मिनट के अंदर ठीक कर दिया, मेरा बड़ा ईमान ताजा हुआ, यकीन अल्लाह की जात पे जमा। ऐसी ऐसी बहुत सी 3-4 वाक्य हुए, मेरा यकीन बनता गया, मैं धीरे 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 सारी वाहियात कामों को उनको छोड़ता चला गया और फिर अल्लाह की तरफ आता गया। नमाज पढ़ने के बाद में बहुत सी दुआओं कबूल हुई, मैं जमात में चला गया 4 महीने, अब अल्लाह के रास्ते में गया, पीछे से दादी इंतकाल कर गई, मैं नहीं पहुँच सका, फ़ोन मेरे बंद थे, तो अल्लाह ने ख्वाब में दादी को दिखाया जमात में अल्लाह के रास्ते में, और बच्चा पेट में था अहलिया के, मैंने अल्लाह दुआ करी अल्लाह मेरा लड़का होना चाहिए तो लड़का हुआ, रमजान में हो तो पहले रमजान में हुआ, जुमे में हो तो जुमे में हुआ। ये बहुत बड़ी मदद अल्लाह की मेरे साथ हुई। हाँ मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी मदद और अल्लाह की हुई जब मैं जमात में था, कि पहला बच्चा था और 6 महीने में था वो मेरी अहलिया के पेट में, मैं जमात में आ गया था तो उधर फ़ोन सारे बंद थे, तो मैं जामसठ बेहट में जमात में था, उधर खबर पता चली कि बच्चा उल्टा हो गया, घर वाले कहने लगे तू अल्लाह के रास्ते से आ जा दोबारा। मैं 2 रकात नमाज पढ़ के मैंने अल्लाह दुआ करी अल्लाह, और मैंने उनसे कहा कि जिस अल्लाह ने ये बच्चा पैदा किया है उल्टा किया वो सीधा करने में ताकत रखता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने बहुत बड़ी मदद दिखाई कि वो थोड़े ही देर बाद में खबर आई कि बच्चा सीधा हो गया और अहलिया भी ठीक होगी, और वही बच्चा हुआ जुमे के दिन पैदा हुआ, रमजान में पहले रमजान में पैदा हुआ, लड़का ही हुआ। अल्लाह की बहुत बड़ी बड़ी मदद हुई। तस्बीह और अल कलम टीवी के जरिए मैं आपको, आप सबको जितने भी सुन रहे हैं साथी, इन सबको बताना भी चाहता हूँ, जैसे मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया, अल्लाह ने इस्लाम के लिए नवाजा, हिदायत दी, और बड़े बुजुर्गों की बड़ी नज़र रही मेरे ऊपर, बड़ी मेहनत रही, और उनकी हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की, सिद्दीकी साहब ने बड़ी मेहनत की मेरे ऊपर, हज़रत मौलाना साद साहब दामत बरकातु उनकी बड़ी मेहनत रही, उन बुजुर्गों की सोहबत में आप लोग भी, क्यों वली अल्लाहों की इन बुजुर्गों की सोहबत में बैठ के ईमान ताज़ा होता है, ईमान बनता है और अल्लाह की याद आती है, अल्लाह की पहचान होती है। तो आप सबसे गुजारिश ये है कि अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए भी, और सारे बुजुर्गों की सोहबत में आप सब लोग बैठेंगे अल्लाह की पहचान करने के लिए, और पूरे आलम के जितने इंसान हैं उन सब की फ़िक्र लेके कि हम सब भाई हैं, पूरे आलम के जितने इंसान हैं सब एक खून के रिश्ते के भाई हैं और सब आदम की औलाद है, उन तक हक पैगाम हम सब पहुंचाएं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।